लाहौर से ताल्लुक रखने वाली नौजवान को लुकारा है शान से बिशारत। अपनी खूबसूरत आवाज़ से ये खासी वायरल हो रही है ऑन सोशल मीडिया और सोशल मीडिया। एक्चुअली हम बताना ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया बड़ा एक टेस्ट ग्राउंड होता है। हाँ। कि वहाँ बड़ी दुनिया ट्राई करती है, लेकिन उसमें भी लोग बड़े पिकी हैं कि कुछ को पसंद करते हैं और कुछ को नहीं पसंद करते। सो यू हैव टू हैव टैलेंट इवन ऑन सोशल मीडिया टू मेक अ नेम। इंडीड, तो शांजे से मिलते हैं। शांजे, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा गाना सीखा बस शौक से गाती हैं, कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? वालेकुम सलाम। नहीं, मैंने कहीं से गाना सीखा नहीं, लाइक शुरू से बचपन से पहले नात और फिर नेशनल सॉन्ग्स करके और फिर अब मैंने गिटार सीखा। क्वारंटीन में बोर हो रही थी तो बस फिर मैं ऐसी रैंडमली यूट्यूब से ही सीख लिया या किसी से क्लासेस नहीं फिर आपने? हाँ, एक महीना मैंने क्लासेस ली और उसके बाद छोड़ दी क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था ऑनलाइन क्लासेस के साथ सारा कुछ करना, और अब मैं फिर यूट्यूब से बाकी सारा सीख। वंडरफुल। अच्छा, तो शांजे, जब कोई आप अपनी कोई सिंगिंग कोई अपनी परफॉर्मेंस आप डालती हैं सोशल मीडिया पे तो इंस्टेंट आपको फीडबैक मिल जाती है, सो उस चीज़ से इनक्रेजमेंट है दैट दिस इज़ द फील्ड फॉर यू? एग्जैक्टली इतनी ज़्यादा ख़ास तौर पे मैं मोस्टली इंस्टाग्राम और ट्विटर पे पोस्ट करती हूँ तो ट्विटर पे बहुत बहुत अच्छी फीडबैक मिलती है, इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है वहाँ से, तो अच्छा फील होता है कि यार आपको अप्रिशिएट कर रहा है कोई। तो चले, मेरा ख्याल है कि अगर आपको इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है तो हम भी फिर आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। सो सुनाए फिर, क्या सुना रही हैं? मैं नाजिया हसन का बूम बूम सुनाऊँगी। जबरदस्त, हमें पहले ही पसंद आ गया। चले जी सुनाए। मीठी मीठी मचती है हलचल हलचल, तुझको जूं ही हो जाऊं पागल पागल, तू कदम रखे जहां पर दिल मेरा झुके वहां पर मुझसे ही मुझे चुराने वाले, हाँ बूम बूम कभी मिलते हैं हम तुम सांसों को तेरी ही धुन, दिल बोले बूम बूम, दिल बोले बूम बूम। आपको सुन के ना बिल्कुल कॉलेज का जमाना याद आ गया जिसमें हम सब मिलके बैठ के जाम किया करते थे। तो व्हिच आल्सो मींस कि आप अपने कॉलेज वगैरह में तो बड़ी पॉपुलर होंगी बिकॉज़ जो लोग गाने गाते हैं तो वो तो ऑलरेडी जरा आगे बाकियों से हटके होते हैं। इज दैट सो? एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो अब आगे प्रोफेशनली इसको परस्यू करना चाहती हैं या शौक है बस? अब इतनी अगर वैसे मुझे कभी मौका मिला तो आई ऑलवेज वांटेड टू सिंग फॉर ISPR और कोक स्टूडियो में, तो अगर मौका मिला तो व्हाई नॉट। वंडरफुल, मतलब कि सही, आपने भी सोच के रखा ना कि एग्जैक्टली किधर जाना है। दीज आर द टू प्लेसेस एक्चुअली जहां जब आप बहुत ज्यादा आपका रिच एक्सपीरियंस हो चुका होता है तो आप यू आर पिक्ड अप और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी पिकअप हो जाए। क्या सुनाएंगी अभी इंशाल्लाह? अब मैं एक आसिम अजहर का सॉन्ग है उसकी स्टार्टिंग सुना देती हूँ, कोक स्टूडियो के है वो भी। तो आप सुनती भी ज्यादा पाकिस्तानी सिंगर्स हैं, आसिम अजहर, नाजिया हसन जो भी आप गा रही हैं? बोथ, हाँ एग्जैक्टली, नाजिया हसन मेरी इंस्पिरेशन है, मुस्तफ़ा जाहिद, आसिम अजहर, इनको मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ। चले वंडरफुल, प्लीज शांजे गाना सुनाए। बातें तेरी करते हुए थक के सो जाती हूँ, सिरहाने आसमां जाने कहाँ मुड़ जाती है, देखते देखते तुझे ये गलियाँ तेरी तरह खुशबू चले, बातें हमारी
सारी तरह रातों से मिले सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियाँ कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियाँ। बहुत खूबसूरत ये तो मोमिन अब स्पेशल वाला पार्ट आपने गाया। हाँ बड़ा ही बहुत ही अच्छा और दिस इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एक्चुअली कोई भी गा ले तो हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। बेस्ट ऑफ लक टू यू शानजे इन ऑल दैट यू डू और आपकी जो ड्रीम है वो जरूर पूरी हो जाए।